वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशंस को जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जैसे भी एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आप लोगों को पूछे जा सकते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे इस वीडियो में हो जाएंगे तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना है तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशंस तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है जब हम सॉल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी कुछ एग्जांपल्स को रीड आउट कर लेना है कि सॉलिड इन सॉलिड जब हम बनाते हैं सॉल्यूशन सॉलिड इन गैस गैस इन सॉलिड लिक्विड इन सोलिड ये सभी आप लोग पेयर्स बना सकते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए उसकी एग्जाम्पल्स प्लीज आप लोग बुक से अभी उनको जरूर रीड कर लेना ठीक है तो इसके बाद अब हम यहाँ पर मेन टॉपिक पर आते हैं दैट इज द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ठीक है तो सोल्यूशन की अगर हमें कंसनट्रेशन सोल्व करनी हो तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज उसमें यूज़ होते हैं वो मैं आपको सभी यहाँ पर बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आती है मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट अगर हमें किसी कंपोनेंट की मास परसेंटेज सोल्व करनी है तो सिंपल है मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई द टोटल मास ऑफ द सल्यूशन इन टू तो ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है तो इसका यूज ज़्यादातर ऐसे होता है कि आप लोगों को मास परसेंट दी होती है तो फिर उसको हमने कैसे यूज़ करना है जैसे मान लीजिए हमें बताया है कि वी हैव दी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दैट इज दी दैट इज टेन परसेंट वेट बाय वेट यानी कि मास परसेंट दी हुई है मास बाय मास ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दस ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है इन दी हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन ठीक है जितनी भी मास दी हुई है उतना ही उस सब्सटेंस का गिवन मास हो जाएगा और 100 ग्राम होगा सल्यूशन का मास अगर हमें सोलवेंट का मास सोल्व करना है तो हम 100 में से मास ऑफ दिस सब्सटेंस को कर देंगे माइनस तो हमारे पास सोलवेंट यानी के वॉटर का मास आ जाएगा क्लियर है तो ऐसे हम इसे यूज करते हैं ठीक है तो ऐसे ही आप लोग सेम टू सेम वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं बस आप लोगों ने मास की जगह पर सभी जगह पर वॉल्यूम यूज कर लेनी है बाकी सेम रहेगा ठीक है तो तो फिर इसी में एक इम्पोर्टेंट और आती है टर्म दैट इज पार्ट्स पर मिलियन ठीक है तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर मिलियन को हम पीपीएम के साथ शो करते हैं ठीक है इसमें क्या है कि मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ये तो सेम हो गया इन टू हंड्रेड की जगह हम क्या करेंगे टेन रेज टू पावर सिक्स दैट इज़ दी मिलियन ठीक है मल्टीप्लाई विद हम करेंगे वन मिलियन के साथ तो इसको कैसे यूज़ करते हैं मान लीजिए आपको दिया है किसी सब्सटेंस ए की पार्ट्स पर मिलियन दैट इज़ दी इसकी हमें दी हुई है थ्री पी पी एम तो इसका मतलब क्या है कि दिस सब्स्टांस का थ्री ग्राम प्रेजेंट है वन मिलियन ग्राम ऑफ दल्यूशन में जैसे उसमें था uh, वो मास उस सब्सटेंस का हंड्रेड ग्राम में था सोल्यूशन के यहाँ पर वन मिलियन ग्राम में होगा यानी कि बहुत ही लो कंसनट्रेशन वाले जो सल्यूशन्स होते हैं उनके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन वाली जो है फॉर्म इसको हम यूज़ करते हैं ठीक है इसके बाद आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ द मोलैरिटी ठीक है तो मोलैरिटी क्या चीज़ है मोलैरिटी ऑफ ए सब्सटांस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट पर लीटर ऑफ सल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन अगर एम में है तो हम ऊपर रख देंगे थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो हम क्या देखते हैं कि एक लीटर सल्यूशन में कितने मोल्स हैं सल्यूट के उसको हम बोल देते हैं मोलैरिटी मोलैरिटी में जो मोल्स ऑफ सल्यूट का फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल्स टू द गिवन मास डिवाइडेड बाई द मोलर मास ठीक है तो ऐसे हम इसे ऐसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं सभी फार्मूलास को अच्छे से याद कर लेना और अगर हमें किसी की मोलैरिटी दी हो जैसे यहाँ पर दी है टू मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है इसका मतलब क्या है कि टू मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट है इन दी थाउजेंड एम एल ऑफ दैट सोल्यूशन तो ऐसे हमें यहाँ से मोल्स भी मिल जाते हैं और सोल्यूशन की वॉल्यूम भी मिल जाती है इसे हम आगे यूज कर सकते हैं फिर ठीक है तो ऐसे ही हमारे पास आती है मोलैलिटी ठीक है सो मोलैलिटी सेम है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या आ गया मास ऑफ दी दोलवेंट तो यहां पर क्या रखेंगे मास ऑफ दी सोलवेंट रखेंगे ठीक है इन टू हम कर देंगे थाउजेंड वो सेम है ठीक है तो जैसे हमें इसको हम छोटे एम के साथ डिनोट करते हैं ठीक है स्मॉल एम के साथ तो टू एम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स टू मोल्स इन दी थाउजेंड ग्राम सोलवेंट में है और दूसरी बात मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी टेम्परेचर बट जो मोलेरिटी थी ऊपर वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है दिस इज इंडिपेंडेंट मोलैलिटी ये भी पूछा जाता है पेपर वैसे इसके लिए एक यहाँ पर अलग सिंपल होता है बट हम इसे नॉर्मली एक्स के साथ डिनोट कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ पर टोटल मोल्स हैं उसमें जो ए के मोल्स की क्या फ्रैक्शन है ठीक ठीक है है तो तो को ऊपर रखेंगे और divide में मतलब जितने भी हैं उनको हम divide तो यहां पर क्या है प्रॉपर्टी दो चीजें हैं एंड बी है तो दोनों की मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वन अगर हमारे पास ए बी सी भी हो तो इन सभी की मोल फ्रैक्शन को प्लस करेंगे एक्स ए प्लस एक्स पी प्लस एक्स सी तो आंसर आएगा वन ठीक है तो वेयर यहां पर एन ए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का क्या फार्मूला है गिवन मास को हम डिनोट करते हैं बाय दी डब्ल्यू और मोलर मास को हम करते हैं एम के साथ ठीक है तो ऐसे ही बी का आ जाएगा डब्ल्यू बी ओवर एम पी ठीक है क्लियर है तो इसके बाद आती है नॉर्मेलिटी ये क्या होती है नॉर्मेलिटी में

ठीक है डिवाइडेड बाय जो भी सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग एसिडिटी अगर वो बेस है अगर वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी अगर वो कोई सॉल्ट या फिर कोई आयन है तो उसकी विलेंसी ठीक है इनमें से एक चीज हम डिवाइड में रखते हैं तो ऐसे हम उसका इक्विवेलेंट मास सोल्व कर कर आगे नॉर्मैलिटी सोल्व कर सकते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में जो रिलेशन है वो आप लोगों ने याद रखना है नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू जो भी हमने यूज़ करनी है टर्म बेसिसिटी एसिसिटी या फिर वेलेंसी वगैरह वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मैलिटी जो है वो मोलैरिटी के बराबर हो सकती है इक्वल हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है ये बात आप लोगों ने याद रखनी है फॉर एग्जाम्पल अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें ठीक है तो इसका मोलर मास है दिस वन इसकी बेसिसिटी क्योंकि एसड है इसमें से दो हाइड्रोजन आ सकते हैं इसकी बेसिसिटी टू है ठीक है तो इसका एक्ूबलेंट मास कितना बन जाएगा नाइन्टी एट बाई टू दैट इज़ दी फोर्टी नाइन ठीक है तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी टू इंटू इट्स मोलैरिटी तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है क्लियर है ठीक है तो आगे चलते हैं इसके बाद आता है टॉपिक दैट इज द दोलुबिलिटी ऑफ द सोलिड्स इन द लिक्विड ठीक है जब हम किसी सोलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो उसके साथ साथ रिलेटेड हमें कुछ टर्म्स याद रखनी है जितना मैक्सिमम सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द सोलबिलिटी ठीक है और इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर क्या होगा जनरली सोलबिलिटी इंक्रीज करती है विद दी इंक्रीज इन द देशर बट कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनके लिए वो डिक्रीज करती है या फिर जिनका बिहेवियर कुछ अलग होता है जैसे कि लिथियम सल्फेट सीरियम सल्फेट इनके लिए सोलबिलिटी डिक्रीज करेगी इनके आप लोग ग्राफ देख सकते हैं ठीक है थीके? इस तरफ जाएगा और कुछ साल्ट ऐसे हैं जैसे कि सोडियम सल्फेट जब ये यहाँ पर हाइड्रेटेड होता है तो इसकी सोलबिलिटी पहले इंक्रीज होती है ठीक है और बाद में वो हो जाती है डिक्रीज हो जाती है ठीक है और जहाँ पर इसका बिहेवियर चेंज होता है दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज दी ट्रांजिशन टेम्परेचर ठीक है तो ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है क्लियर है तो ये था कुछ सोलिबिलिटी इन सोलिबिलिटी ऑफ द सोलिड इन लिक्विड अब हम करते हैं गैस इन लिक्विड दिस इज इंपॉर्टेंट solubility of gas in liquid decreases with increase in the temperature agar hum heat kar denge to gas ki solubility decrease ho jayegi aap log example yaad rakh sakte hain cold drinks ki jo hum use karte hain beverages theek hai na soft drinks तो उनको जब तक हम cool रखते हैं तो उसमें gas रहती है अगर हम उसे hot कर दें ठीक है अगर हम उसे heat कर दें तो उसकी gas जो है वो उसमें से बाहर आ जाती है ठीक है तो इस पे अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल लॉ है दैट इज कॉल्ड दैनरीज लॉ ठीक है तो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ठीक है सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज डिजोल्व इन दी गिवन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ठीक है सो मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस तो यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक कॉन्स्टेंट केड़ा लगा देते हैं तो अगर हमें यहाँ पर P को आगे रखना हो P की फॉर्म में फार्मूला बनाना हो तो ये बन जाता है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ठीक है वेपर प्रेशर सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू दी के एच दैट इज दी हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन दी लिक्विड ठीक है तो पी इज इक्वल टू के एच इंटू आ जाता है <coughs> तो यहाँ पर जो हमारे पास के है दैट इज़ कोल्ड दी हैनरी स्ला कॉन्स्टेंट और इसके बारे में याद रखना अगर हम गैस को हीट करते हैं तो सोलबिलिटी डिक्रीज़ होती है और के एच की वैल्यू अनक्रीज़ हो जाती है ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है सो के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सोलबिलिटी उतनी ही लो हो जाएगी ये आप लोगों ने याद रखना है ये बहुत बार ही पूछा जाता है ठीक है एम सी क्यूज़ में ठीक है तो आप लोग हैंनरी स्ला की कुछ एप्लीकेशन ज़रूर रीड आउट कर लेना जैसे कि हाई एल्टीट्यूड्स पर ठीक है वो तो वहाँ पर हमें जो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो आ, प्रेशर है वो आ, डिक्रीज हो जाता है ठीक है या फिर जो स्कूबा आ, स्कूबा डाइवर्स हैं वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स में और कौन सी गैस साथ में रखते हैं ये सभी एप्लीकेशन आप लोगों ने रीड आउट ज़रूर करनी है ठीक है क्लियर है तो आगे चलते हैं इनके नोमेरिकल्स हम इस इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के बाद में एक्सप्लेन करेंगे ठीक है तो इसके बाद है रोल्स ला फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन अब देखिए रोल्ट ने क्या ला दिए रोल्स ने ला दिए थे वेपर प्रेशर के साथ रिलेटेड ठीक है तो अगर हम दो कंपोनेंट्स दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं ए और बी ठीक है देन उनके सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर्स होंगे ठीक है so, सो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन इज इक्वल्स टू पी ए

तो वो हमें अब यहाँ से क्या मिल जाएगा सो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू दी ए प्लस पी बी पी ए की वैल्यू है पी ए नोट एक्स से और पी बी की वैल्यू हमने लगा दी पी बी नोट एक्स पी तो ये हमें मिल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर इसको हम ऐसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये ग्राफ आपको पेपर में दिया जा सकता है और इस पर बेस्ड आप लोगों को प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं ठीक है थीके? तो इस साइड पर ओनली ए है यहां पर ठीक है तो इसलिए यहाँ पर कितना प्रेशर होगा पी ए नोड ठीक है जैसे जैसे हमने इसमें बी ऐड करनी शुरू कर दी तो ए का प्रेशर ऐसे हो रहा है डिक्रीज़ और बी का प्रेशर ऐसे हो रहा है इनक्रीज़ तो इस साइड पर ओनली बी है इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जीरो हो गया ओनली बी है यहाँ पर और इसलिए यहाँ पर प्रेशर कितना बन जाएगा पी बी नोड और इन दोनों को ऐड कर कर पी ए और पी बी को हमारा आ रहा है टोटल प्रेशर ठीक है तो टोटल तो प्रेशर पी ए नोड से शुरू होकर पी बी नोड तक जाएगा ये ऐसा इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं क्लियर है ठीक है तो अगर हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दें ठीक है अगर मान लीजिए हमारा एक आ, हमने दो ऐड किए थे कंपोनेंट ए और बी उनमें से एक नॉन वोलेटाइल है जिसके वेपर्स ही नहीं बन सकते वो होते हैं नॉन वोलेटाइल तो क्या होगा उसका तो वेपर प्रेशर ही जीरो होगा तो हमारे जो आ, जो ए है मान लीजिए हमने ए में ऐड किया है जो हमारा होगा सोल्यूशन उसका वेपर प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्योंकि उसके खुद के तो वेपर्स नहीं फॉर्म होते और वो दूसरे कंपोनेंट के भी वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है ठीक है क्योंकि वो वहां से मोलिक्यूल्स को स्केप होने से रोकना शुरू कर देता है इसलिए ठीक है तो इस पर बेस्ड हमने रोल्स ला को थोड़ा सा चेंज कर लिया फिर रोल्स ला फॉर दी सोलिड लिक्विड सोल्यूशन तो सोलिड लिक्विड सोल्यूशन के लिए हमने ऊपर फार्मूला किया था कि पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी ठीक है तो पी बी तो यहाँ पर जीरो हो गया ठीक है तो ओनली क्या बचा पी इज इक्वल्स टू पी ए पी ए का फार्मूला क्या था पी ए नोट एक्स से तो ये बन जाएगा रोल्स ला फॉर दी सोलिड इन लिक्विड सोल्यूशन ठीक है क्लियर है तो इसके बाद आते हैं दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं दैट इज आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ठीक है तो आइडियल सोल्यूशन वो सभी सोल्यूशन जिनमें रोल्सला अबे होगा नॉन आइडियल जिनमें रोल्सला नहीं अबे होगा तो आइडियल सोल्यूशन में इंथेल्पी चेंज और मिक्सिंग भी जीरो होगी वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग भी जीरो होगी नॉन आइडियल में ये दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल टू जीरो होंगी तो आइडियल सोल्यूशन में ये फार्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे रोल्स ला वाले और नॉन आइडियल में ये फार्मूलाज के आंसर अलग अलग आएंगे नॉट इक्वल टू आएंगे ठीक है और यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन की एग्जाम्पल में हमने ऐसे कुछ सोलवेंट्स यूज करने हैं जो दोनों वोलेटाइल हों और दोनों में एक जैसी फोर्सेस फोर्सिस या तो फिर दोनों हों नॉन पोलर नॉन पोलर या फिर दोनों हों पोलर पोलर जैसे कि बेंजीन इन टोलुइन ये इसकी एक एग्जांपल है ठीक है तो यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल का साइन ठीक है तो आगे जब हम इसको और रीड आउट करते हैं तो नॉन आइडियल सोल्यूशंस की दो टाइप्स होती हैं तो नॉन आइडियल सोल्यूशंस हो सकते हैं आइदर वो शो कर सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन इधर वो शो कर सकते हैं नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव का क्या मतलब है कि उनके रिज़ल्ट रोल्ट ला के जो फार्मूला से एक्सपेक्टेड थे उनसे ज़्यादा आएंगे सो पी ए इज ग्रेटर दैन दी पी ए नोड से ठीक है और नेगेटिव डेविएशन में उनके रिज़ल्ट रोल्ट ला वाले फार्मूले से छोटे आएंगे सो पी ए इज लेस दैन पी ए नोड से ऐसा क्यों होता है क्योंकि ए बी इंट्रेक्शन वीक हो जाती है अब देखिए यहाँ पर जो बात आप लोगों के समझने वाली है देखिए पहले ए कंपोनेंट में ए ए फोर्सेज़ होती हैं और बी कंपोनेंट में बी बी फोर्सेज होती हैं जब हम इन दोनों को एक दूसरे में कर देते हैं मिक्स तो जो न्यू फोर्सेज बनती हैं अगर वो फोर्सेज वीक हैं तो इसका मतलब कि जो वहाँ पर मोलिकुल्स हैं वो ईजिली इस्केप कर सकते हैं तो उनका फिर वेपर प्रेशर इनक्रीज़ हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन आती है अगर न्यू फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं ए और बी की तो फिर उनके इस्केप होने की टेंडेंसी लो हो जाती है ठीक तो है, तो है, है? तो की साइक्लोहेक्सेन अब क्या होता है इथाइल अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बोन्ड होते हैं साइक्लोहेक्सेन उसके हाइड्रोजन बोन्ड्स को आकर ब्रेक कर देता है तो मतलब उसकी जो न्यू फ, आ, फोर्सेस बनी है वो काफी वीक हो जाती है तो इसलिए उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और दूसरी तरफ एग्जाम्पल है एसीटोन एंड क्लोरोफोम की तो एसीटोन एंड क्लोरोफोम में जो उनकी पहले अपनी अपनी फोर्सेस थी वो काफ़ी वीक होती हैं बट जब हम इन दोनों को एक दूसरे में ऐड करते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बोन बनना शुरू हो जाता है ठीक है तो उसके कारण इसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और इसमें शो होती है नेगेटिव डेविएशन तो इनकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं प्लीज़ बुक से इनकी और एग्जांपल्स रीड आउट कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है क्योंकि ऐसी कोई भी एग्जांपल पेपर में पूछी जा सकती है क्लियर है तो आगे चलते हैं अब देखिए जो सॉल्यूशंस ठीक है बॉयल करते हैं एट द कांस्टेंट बॉयलिंग टेम्परेचर बट उनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है ठीक है सो सोल्यूशंस विच बॉयल एट दी कॉन्सटेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन दम्पोजिशन अब देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के वेपर्स बनाते हैं उसको बॉयल करते हैं मान लीजिए उसमें दो हैं कंपोनेंट ए और बी तो पहले क्या होता है कि उन दोनों में से एक जो है कंपोनेंट जो कि मोर वोलेटाइल होता है वो जल्दी बॉयल होकर बाहर आना शुरू हो जाता है तो हमारे सोल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होनी शुरू हो जाती है क्योंकि जो उसमें से कंपोनेंट वहाँ पर ईजिली वोलेटाइल uh, होकर बाहर आ रहा है उसकी कॉम्पोजिशन उसके अंदर उसकी जो है अमाउंट उसके अंदर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितना होना था डिक्रीज उतना हो जाता है उसके आगे वो बिल्कुल नहीं होगा मतलब उसकी कॉम्पोजिशन बाद में क्या होगी कॉन्स्टेंट बन जाएगी तो ऐसे जो जो हमारे पास बन जाते हैं सोल्यूशन के जो बॉयल तो होते रहते हैं बट उनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है उनको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स ठीक है तो एजियोट्रोप्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट आपने बस क्या याद रखना है कि जो सोल्यूशन शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वो बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप तो इन दोनों की सेम एग्जाम्पल्स होंगी ठीक है जो सोल्यूशन सो करेंगे नेगेटिव डेविएशन वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप्स क्लियर है तो ये दो पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेने हैं इनकी एग्जाम्पल्स भी वही सेम रहने वाली हैं इस पर बेस्ड एम या फिर असर्शन रीजन प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ठीक है थीके? क्लियर है तो आगे चलते हैं इसके बाद आती है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो आपको याद होगा आप लोगों ने पहले चैप्टर अगर किया हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सभी प्रॉपर्टीज हैं सोल्यूशन की जो सिर्फ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स पर ठीक है एंड नॉट ऑन दी नेचर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल मतलब कि आपने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पर ही डिपेंड करेंगी ठीक है चाहे कोई भी सल्यूट ऐड कर दें अगर हमने सेम नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए हैं तो सेम प्रॉपर्टी शो होगी क्लियर है इसकी चार हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सबसे पहली है रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर कितना का डिक्रीज होता है उसके बारे में हम सोल्विंग करते हैं तो इसका फार्मूला क्या बनता है पीए नोड यानी कि प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर माइनस पीए मतलब कि उसका जब हमने उसमें नॉन वर्ल्टर सल्यूट ऐड कर दिया उसके बाद प्रेशर डिवाइडेड बाई दी पी नोड ठीक है सो ऊपर वाली हम टर्म को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उसका रेशो कर दें तो बन गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसको सोल करेंगे तो दैट इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी नॉन वोलेटाइल सल्यूट बी के साथ हमने डोनेट किया है हमारे नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ए के साथ हमने डोनेट किया है हमारे सोलवेंट को ठीक है क्लियर है तो ये जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सल्यूट ठीक है क्लियर है तो इसको आगे सोल्व कर कर जब हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का फार्मूला यूज़ कर लें उसको हम यूज़ कर कर यहाँ से मोलर मास ऑफ दी सल्यूट सोल्व कर सकते हैं सो दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पर बेस्ड आप लोगों को नोमेरिकल्स मिलते हैं ठीक है तो हर एक प्रॉपर्टी से आप लोग मोलर मास ऑफ सल्यूट का फार्मूला सोल्व करेंगे क्लियर है ठीक है तो ये बात आप लोग याद रख लें डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ द सल्यूट डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ द सोल क्योंकि ए है सोल इवेंट बी है सल्यूट एम ए

यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ठीक है तो इसका फार्मूला क्या बनता है यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी दैट इज द मोलल मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इन टू मोलैलिटी एम से हम क्या डोनेट करते हैं मोलैलिटी ठीक है तो स्मॉल एम यहाँ पर यूज की जाती है दैट इज द मोलैलिटी यूज की जाती है क्लियर है तो इसमें अगर हम आगे मोलैलिटी का फार्मूला यूज कर लें तो वो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू दी के बी इन टू दी डब्ल्यू बी इन टू द थाउजेंड ठीक है डिवाइडेड बाय दी मोलर मास ऑफ दल्यूट एंड द गिवन मास ऑफ दी सोलवेंट ठीक है क्लियर है तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लें क्योंकि जो अगली प्रॉपर्टी में भी सेम फार्मूला आने वाला है उसमें हमारे पास आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा अगर हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं जैसे कि वाटर वैसे तो फ्रीज करता है जीरो डिग्री सेल्सियस पर फिर वो जीरो से भी लो टेम्परेचर यानी कि माइनस के किसी टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज करेगा अगर हम उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं ठीक है तो इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू दी टी एफ नोड यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशन इसका भी फार्मूला सेम है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू दफ इन टू एम ठीक है तो इसका भी ये फार्मूला सेम आ जाएगा सिर्फ आप लोगों ने के एफ और यहाँ पर बी की जगह पर एफ लिखा है बाकी पूरा फार्मूला सेम है क्योंकि मोलैलिटी के ऊपर ही ये करेगा डिपेंड ठीक है क्लियर है तो इससे हम कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस uh, बनाए जाते हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स होते हैं हमारे वहीकल्स uh, होते हैं उनके इंजन में जो आ, उ, उनके इंजन में जो हमने कूलिंग जो यहाँ पर सोलवेंट ऐड करते हैं ठीक है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं इन दी वाटर क्योंकि उसके साथ उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है और वो इतनी जल्दी फ्रीज़ नहीं होता अगर हम प्योर वाटर ऐड करेंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा ठीक है जिसके साथ के हमारे व्हीकल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है ठीक है ओके तो इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ दी ओसमोसिस ठीक है अब ऑस्मोसिस क्या होती है ऑस्मोसिस इज अ सिंपल प्रॉपर्टी सॉल्वेंट मूव करता है कौन मूव करता है सॉल्वेंट थ्रू दी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के बीच में से फ्लो करता है कौन से पार्ट से फ्लो करता है लो कंसंट्रेशन ऑफ दी सल्यूट टू दी हायर कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूट ठीक है जिस तरफ लो कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूट होगा मतलब जहां पर हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा उसमें से सोलवेंट मूव कर जाएगा टुवार्ड्स दी सल्यूशन जहां पर हायर कंसंट्रेशन होती सल्यूट होगी ठीक है क्लियर है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहां पर इसको बनाकर भी दिखाया हुआ है कि सोलवेंट मूव करेगा फ्रॉम दी लो कंसंट्रेशन पार्ट टू दी हायर कंसंट्रेशन पार्ट ठीक है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में से जैसे कि अगर हम एग को रख देते हैं सिंपल वाटर में तो बाहरला जो वाटर है उसकी लो कंसंट्रेशन है जो एग के अंदर होता है सोलवेंट uh, उसकी हायर कंसनट्रेशन होती है तो बाहर का वाटर उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है तो एग हमारा स्वेल कर जाता है अगर हम एग को रख देंगे साल्ट सोल्यूशन में तो बाहर वाले की हायर कंसंट्रेशन होगी एग के अंदर लो कंसंट्रेशन है तो फिर एग के अंदर से सोलवेंट बाहर निकल जाएगा और एग हमारा छोटा हो जाएगा एग श्रिंक कर जाएगा ठीक है कुछ एग्जांपल्स आप लोग फ्रूट्स uh, में भी ऐसा होता है फ्रूट्स को वाटर में रख देते हैं तो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है ठीक है स्वेल कर जाते हैं तो ये सभी एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें से हम सोल्व करते हैं प्रेशर अगर हमें ओस्मोटिकेशमोसिस में सोलवेंट को दूसरी तरफ जाने से रोकना हो तो हमें इस साइड पर कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा दैट इज नोन एज दोटिक प्रेशर ठीक है इसको हम डिनोट करते हैं विद दी दिंपल पाई ठीक है इज प्रेशर रिक्वायर टू स्टॉप दिस तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा पाई इज इक्वल टू दी सी इंटू आर इंटू टी सी हमारी क्या है यहाँ पर मोलैरिटी है मोलर कंसनट्रेशन आर है गैस कॉन्स्टेंट टी है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन दी कैलवेंस ठीक है तो हम यहाँ पर सी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ठीक है डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम ठीक है तो हमने क्या किया कि मास का फार्मूला यहां से सोल्व कर लिया मास ऑफ सल्यूट को इस तरफ ले आए और ओस्मोटिक प्रेशर यहां पर रख लिया तो यहां से भी आप लोग मोलर मास ऑफ सल्यूट को सोल्व कर सकते हैं क्लियर है ठीक है तो ये ओस्मोटिक प्रेशर के साथ आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं आर की वैल्यूज कोमेरिकल्स में आपको या तो दी होगी या फिर आपको याद रखनी पड़ेगी तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं ठीक है इसके साथ कुछ और हमारी सिंपल सी टर्म्स हैं रिलेटेड ऑस्मोसिस के साथ ठीक है जिन सोल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशंस जिसका ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक उसकी कंसनट्रेशन uh, भी ज़्यादा होगी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है जिसका लो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज नोन एज द हाइपोटोनिक इनमें से एक याद रख लेना तो आपको दूसरा फिर खुद ब खुद, खुद याद आ जाएगा एक होता है हमारे पास आ, स्लाइन वाटर ठीक है स्लाइन वाटर होता है जीरो पॉइंट नाइन वन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ दी एन ये आइसोटोनिक होता है हमारे फ्लूड्स ऑफ दी आर के जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके फ्लूड्स के साथ ये आइसोटोनिक होता है इसीलिए जितने भी इंजेक्शन हमें दिए जाते हैं वो हमें स्लाइन वाटर में ही दिए जाते हैं ताकि वहाँ पर ओसमोसिस ना हो ताकि हमारे आर हैं जो वो ना ही आ, वो ना ही वहाँ पर स्वेल करें और ना ही वहाँ पर श्रिंक करें अगर हम कुछ अलग यूज़ करते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा तो वो या तो वो हो जाएंगे स्वेल हो जाएंगे या फिर वो श्रिंक हो जाएंगे ठीक है तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है फिर आती है रिवर्स ओसमोसिस रिवर्स ओसमोसिस में क्या होता है कि हम ओस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसके साथ क्या होगा कि जो हमारी आ, वाली साइड थी ठीक है इस साइड से सोलवेंट मूव होकर दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा मतलब कि हमारे सोल्यूशन में से सोलवेंट प्योर सोलवेंट की ओर जाएगा तो हमारा जो है वो मान लीजिए हमारे पास है वाटर है तो वो हमारा साफ होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हम रिवर्स ओसमोसिस यूज करते हैं वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए आर ओ इसे इन शॉर्ट हम बोलते हैं हमारे जितने भी वाटर प्योरिफायर आते हैं उनमें आर ओ वाला सिस्टम ही यूज किया जाता है ठीक है तो इसके साथ डिसनेशन ऑफ वाटर की जाती है मतलब कि वाटर में से सॉल्ट्स को रिमूव किया जाता है ठीक है क्लियर है ओके okay? mm -hmm. तो ये था आपके लिए इस चैप्टर का एक रिवीजन पार्ट तो इसकी कुछ अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम एक्सप्लेन करते हैं नाउ so उमेरिकल्स हम यहाँ से कुछ एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सोल्यूशन में से ठीक है तो सबसे पहला है हमारे पास के सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इन वाटर इज 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 दर्सेंट वेट बाई वेट द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज वन पॉइंट टू जीरो ग्राम पर एम एल कैलकुलेट द मोलैलिटी मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कम्पोनेंट तो हमें इसका यूज करना आता हो कि हमें क्या दी है मास परसेंटेज दी हुई है इसका क्या मतलब होता है टेन परसेंट ग्लूकोज इन वाटर वेट बाय वेट का मतलब है टेन ग्राम ग्लूकोज इन हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन तो हंड्रेड ग्राम में से हमारा सोलवेंट का फिर मास कितना आ गया हंड्रेड माइनस टेन दैट इज 90 ग्राम ठीक है तो हम यहाँ पर मोलैलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या फार्मूला होता है मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास सोलेंट इन टू थाउजेंड ठीक है तो मोल्स हमारे कैसे आएंगे गिवन मास ऑफ दी दल्यूट वो कितना है दस ग्राम ठीक है और डिवाइडेड बाय दी मोलर मास ऑफ दल्यूट कितना होगा ग्लूकोज का याद रखना होगा वन एट्टी तो उसके साथ हम कर देंगे डिवाइड सो so, इन दोनों की जीरो कैंसिल होगी तो आप लोग आगे सोल्विंग कर ये आंसर निकाल देंगे फिर आएगी हमारे पास मोलैरिटी अब देखिए मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन ठीक है तो मोल्स वाला तो सेम रहेगा

तो अब हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें इनके मोल्स निकालने होंगे मोल्स ऑफ द ग्लूकोज तो हम ऊपर सोल हमने दो तीन बार पहले ही कर लिए हैं गिवन मास कितना है उसका टेन बाय आ जाएगा वन एट्टी ठीक है और मोल्स ऑफ द वाटर वाटर का गिवन मास कितना है दैट इज दाइंटी और उसका मोलर मास कितना है एटीन होता है ठीक है तो उसको डिवाइड करेंगे फाइव आ गया सो so नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज मोल्स ऑफ ग्लूकोज ऊपर रखेंगे और डिवाइड में दोनों के मोल्स ऐड कर लेंगे ऐसे ही आप लोग मोल्स ऑफ वाटर भी सोल्व कर सकते हैं वाटर के मोल्स ऊपर रखेंगे डिवाइड में दोनों को प्लस करेंगे तो ऐसे आपके यहाँ से आंसर बन जाएंगे क्लियर है ठीक है तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं आगे चलते हैं इसके बाद है फाइंड दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल ठीक है इथाइलिन ग्लाइकोल की हमें मोल फ्रैक्शन सोल्व करनी है इन ए सोलूशन कंटेनिंग दिस परसेंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास तो फिर से वही बात है दिस परसेंट बाय मास दिया है मतलब कि 20 ग्राम इथाइलियन ग्लाइकोल है 80 ग्राम वाटर में दोनों के हम मोल्स निकाल लेते हैं इथैलियन ग्लाइकोल का मोलर मास कर लें ठीक है फॉर्मूले से वो आ गया सिक्सटी दोनों के आप लोगों ने मोल्स सोल्व कर लेने हैं ठीक है और मोल्स से हमारी इजिली यहाँ पर सोल्विंग हो जाएगी ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथियलियन ग्लाइकोल है 20 ग्राम ओवर इसका मास है 62 और मोल्स ऑफ दी वाटर है 80 ग्राम ओवर एटीन तो यहाँ से आगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथालियन ग्लाइकोल इथालियन ग्लाइकोल के मोल्स ऊपर रखेंगे डिवाइड में दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ठीक है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर कर इन सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से रीड आउट कर लें तो आपके लिए काफी ज्यादा ये चीज यूजफुल रहने वाली है ठीक है इसके बाद एक और करते हैं प्रॉब्लम कैलकुलेट कैल्कुलेट वॉल्यूम ऑफ एटी परसेंट सिल्फ्यूरिक एसड बाय वेट ठीक है डेंसिटी है उसकी दिस वन रिक्वायर टू प्रपेयर दी वन लीटर ऑफ द ज़ीरो पॉइंट टू मोलर एच टू एस ओ फोर हमें एक सोल्यूशन बनाना है वन लीटर उसकी मोलेरिटी होनी चाहिए जीरो पॉइंट टू मोलर एच टू एस ओ फोर इसको बनाने के लिए हम कितना सलफरी केसर यूज करें जो कि एट्टी परसेंट बाई मास दिया हुआ है तो एट्टी परसेंट बाई मास वाले की हमें मोलेरिटी सोल्व कर लेनी है बाद में हम उसे चेंज कर लेंगे जीरो पॉइंट टू वाले में ठीक है तो एटी परसेंट का मतलब एटी ग्राम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड बीस ग्राम हो गया वाटर ठीक तो है तो मास ऑफ सोल्यूशन है हंड्रेड ग्राम डेंसिटी हमें दी गई है वन पॉइंट एट जीरो यहाँ से हम निकालेंगे वॉल्यूम क्योंकि हमें निकालनी है मोलैरिटी मोलैरिटी में तो वॉल्यूम चाहिए ठीक है सो सोनाओ सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास भी है हमारे पास तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं मोलैरिटी इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू टू द थाउजेंड तो एट्टी बाय 98 और हमारी वॉल्यूम आई थी फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव कर हमारे पास आ गया वाला हमारे पास है और इसे हमें चेंज करना है इन टू दी थार सोल्यूशन तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मोलेरिटी इक्वेशन ठीक है एम वन वी टू एम टू वी टू तो एम वन तो है हमारी V1 हमें सोल्व करनी है और ये दोनों दूसरी तरफ यहाँ से सोल्व करेंगे तो ओनली थर्टीन पॉइंट आपको यूज करना है ठीक है अपना सल्फ्यूरिक एसिड बाकी का उसमें ऐड कर देना है वाटर तो उससे आपका यहाँ पर बन जाएगा जो है वो वन लीटर ऑफ दीरोइंट टू मोलर एच टू एस ओ फोर क्लियर है ठीक है तो आगे चलते हैं इसके बाद है वे हेपर प्रेशर के ऊपर प्रॉब्लम ठीक है तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट ए सर्टन टेम्परेचर इज दिस वन अब ये देखिए यह है प्योर बेंजीन बेंजीन को हम ए अज्यूम कर लें तो ये होगी हमारी वैल्यू ऑफ द पी ए नोट ठीक है ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट वेइंग जीरो पॉइंट फाइव ग्राम ठीक है इज एडेड टू दी इज एडेड टू दर्टी नाइन ग्राम ऑफ दिन तो हमने वेट ऑफ द सल्यूट कितना यूज कर लिया जीरो पॉइंट फाइव और वेट ऑफ द बेंजीन हमने कितना यूज कर लिया थर्टी नाइन ग्राम द वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूशन इज देन दिस वन ठीक है बाद में उसका वेपर प्रेशर इतना हो गया सो दिस इज अवर वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूशन वट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ द सल्यूट हमें सल्यूट का मोलिकुलर मास सोल्व करना है तो हमारा सिंपल जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को याद करने को बताया था वही हमारा यहाँ पर यूज़ हो जाएगा सो so, ये हो गया हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है पी ए नोड है पी ए है डब्ल्यू बी है डब्ल्यू ए है और हमारे पास एम ए यानी कि बेंजीन का मोलर मास आपको खुद सोल्व करना होगा वो भी है सल्यूट का मोलर मास हमें सोल्व करना है ठीक है तो हमारा फार्मूला क्या था कि एम बी इज़ इक्वल्स टू दी डब्ल्यू बी इन एम ए ओवर डब्ल्यू ए इंटू दी रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर तो ये मैंने आप, आ, आपको फार्मूला ऊपर ही बता दिया था इसमें सभी वैल्यूज आप लोगों ने यूज करनी है और वैल्यूज यूज करने के बाद आपकी सोल्विंग होकर ये आंसर आ जाएगा ठीक है तो अब देखिए कि नुमेरिकल की सोल्विंग का काम आप लोगों का खुद का है मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया बता रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टेटमेंट में से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और कौन सा फार्मूला यूज कर कर आपने उसे सोल आउट करना है क्लियर है ठीक है तो आगे चलते हैं इसके बाद है दी

टी बी माइनस टी बी नोट तो ज़ीरो पॉइंट एट एट का चेंज आया है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सल्यूट के बी की वैल्यू हमें बताई गई है के बी की यूनिट्स भी याद रख लेना ये भी पेपर में बहुत बार ही पूछी जाती हैं ठीक है ऊपर हमारा स्किप हो गया था के बी और के एफ़ की यूनिट्स आप लोग याद रख सकते हैं सेम होती हैं दोनों की तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है और, KB और KF के बी और के एफ़ सिर्फ सोलवेंट के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ दी सोलवेंट के बी एंड के एफ़ ठीक है तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी गई है हमें सोल्व करना है एम बी तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा डब्ल्यू बी हमें दिया हुआ है डब्ल्यू ए दिया हुआ है एम ए बैनजीन का मोलर मास हमने सोल्व कर लिया डेल्टा टी बी है के बी की वैल्यू दी गई है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे सिंपली सभी वैल्यूज़ आप लोग इसमें यूज़ करें तो आपका एम बी का आंसर मिल जाएगा ठीक है तो ये फार्मूला हमने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में से आप लोग इसे ईजिली सोल आउट कर सकते हैं ठीक है थीके? ठीक है तो प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस के साथ ही आप लोगों को आ, यहां पर आएगा अच्छे से ठीक है तो ऐसी एक और प्रॉब्लम है जीरो पॉइंट सिक्स फोर थ्री ग्राम ऑफ टू दिफ्टी एम एल ऑफ उसकी डेंसिटी दी हुई है लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस कैलकुलेट द मोलर मास अब सबसे पहले गिवन मास ऑफ दी दल्यूट दिया हुआ है ठीक है और हमने चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को सोल्व कर लिए वो हमारा आ गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नोट माइनस टी एफ ये दोनों को करेंगे माइनस ठीक है तो ये आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट फोर एट अब दूसरी तरफ देखिए हमें दी हुई है यहाँ पर वॉल्यूम दी हुई है ठीक है वॉल्यूम ऑफ दी बेंजीन कितनी है फिफ्टी एम एल और हमें साथ में दी हुई है डेंसिटी तो हम इसको यूज़ कर कर पहले मास निकालेंगे तो मास हमारा आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट एट सेवन नाइन इंटू फिफ्टी तो यही हमारी डब्ल्यू ए की वैल्यू बन जाएगी गिवन मास ऑफ द जो होता है सोलवेंट वो हमने ऐसे निकाला फ्रॉम दी वॉल्यूम एंड दी डेंसिटी तो इसकी मल्टीप्लाई को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर इसका आंसर आपका आएगा फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन फाइव ठीक है तो बाद में हमने फार्मूला अप्लाई करना है सिंपली एम बी का तो ये इसमें एक था न्यू पार्ट कि हमें वॉल्यूम ऑफ द सोलवेंट दी हुई थी और सोलवेंट की दी हुई थी डेंसिटी उससे हमने मास ऑफ द सोलवेंट निकाल दिया तो बाद में आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया तो आपका आंसर सोल्व होकर बन जाएगा वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो जीरो फाइव ठीक है क्लियर है तो सोल्विंग का काम आप लोगों ने खुद कर लेना है ओके okay? तो आगे चलते हैं एक और कर लेते हैं पर हंड्रेड मिलीग्राम ठीक है हंड्रेड मिलीग्राम ऑफ द प्रोटीन इज डिजोल्व इन जस्ट इनफ वाटर टू मेक द टेन एम एल सोल्यूशन ठीक है इफ़ दिस सल्यूशन हैज एन ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस वन तो हमें ओस्मोटिक प्रेशर दिया गया है टेम्परेचर uh, दिया गया है मोलर मास हमें सोल करना है आर की वैल्यू हमें दी गई है ठीक है एंड यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया गया है और मास ऑफ द सोल हमें मास ऑफ द सल्यूट दिया गया है तो सब कुछ हमारे पास है बस हमें सोल करना है मोलर मास ऑफ द प्रोटीन तो हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं वॉल्यूम दी गई है गिवन मास ऑफ द सल्यूट इन दिया गया था इन द मिलीग्राम्स तो हमने चेंज कर लिया इन ग्राम्स टेम्परेचर uh, को चेंज कर लिया इन द कैलविन ठीक है ओस्मोटिक प्रेशर है उसको हम यहाँ पर एम एम ऑफ एच जी में है तो हम सेवन सिक्सटी के साथ डिवाइड कर कर उसे हम चेंज कर लेंगे इनटू टू द एटमोस्फेरिक क्योंकि आर की वैल्यू हमें एटमॉस्फेरिक वाली दी हुई थी इसलिए ठीक है तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर यूज करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर वी है वो होती है इन द लीटर अगर हम एम में यूज करना चाहें तो ऊपर हम लगा लेंगे थाउजेंड वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम तो यहाँ से आप लोग एम बी को सोल्व कर लें तो एम बी का आपका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा क्योंकि ये एक प्रोटीन है तो इसका मोलर मास काफी ज्यादा हाई रहता है अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन थाउजेंड के आसपास इसका आंसर आ जाएगा क्लियर है ठीक है तो ऐसे आप लोग इसकी सोल्विंग कर सकते हैं तो एक नोमेरिकल आपके लिए और है ठीक है सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर है वो ए फाइव परसेंट बाई मास इज़ आइसोटोनिक विद जीरो पॉइंट एट सेवन सेवन परसेंट सोल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स अब देखिए यहाँ पर आइसोटोनिक होने का मतलब क्या होता है कि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो हमें सिंपली क्या करना है उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो हमें सिंपली उनके नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर इक्वेट कर देना है ठीक है तो Uh, हम क्या करेंगे सबसे पहले हम सोल्व करते हैं केन शुगर तो केन शुगर के लिए ओसमोटिक प्रेशर का फार्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स दैट इज द गिवन मास इज द फाइव एंड डिवाइडेड बाय दी थ्री फोटी टू उसका मोलर मास आर टी और वी को हमने ऐसे ही रखा ऐसे ही सिमिलरली जो हमारा सब्सटेंस एक्स है उसके लिए हमने ये वैल्यू सोल्व कर ली गिवन मास उसका ये था और डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पर इक्वल करते हैं तो आर टी ओवर वी तो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसल तो फाइव बाई थ्री फोर्टी टू तो इज इक्वल्स टू दिस वन तो यहाँ से हमारा एम बी सोल्व हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल ईजी होती हैं अगर आप लोगों को फाटनाज आते हैं तो आप लोग ईजिली इन्हें सोल्व कर पाएंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और साथ में आप लोगों को सॉल्यूशंस के एम की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है वो भी आप लोगों ने ज़रूर देख लेनी है अगर न्यू वीडियो आती है तो वो आप तो वो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगी तो उन सभी वीडियोज़ को आप लोगों ने ज़रूर देखना है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो